हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। ग्वालियर रोड स्थित सेवा भारती स्कूल और रॉयल कॉलेज के बीच में बन रहे नवनिर्मित भवन के लिए हिटेची आई थी, क्योंकि 11 केवी हाई टेंशन लाइन वायर मात्र 8 फुट की ऊंचाई पर झूल रहे हैं। वायर हिटेची से टच हुए और एक धमाके के साथ फॉल्ट हो गया। इसमें निजी निवासी की लाइट में भी फॉल्ट आया है, परंतु बिजली विभाग को पिछले 2 महीने से लगातार सूचित करने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। डीआई लांबा जी को कई बार मैसेज किया जा चुका है, कमलेश दा हलवार जेई साहब को भी फोन पर बताया जा चुका है। ग्वालियर जैसी पुनरावृत्ति दबरा शहर में करवाना चाहते हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा अगर कोई घटना होती है तो? दबरा हिंदुस्तान टुडे के साथ ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। आपकी गली में सर ये तार निकले हुए हैं सर, ये बहुत नहीं चाहिए सर इन तारों की सर, ये आपने डीएई साहब को आपने बोला नहीं सर? मैं राजीव श्रीवास्तव, चेयरमैन रॉयल कॉलेज दबरा। मैंने इस लाइन के लिए 11 केवी की हाई टेंशन लाइन है और इसके लिए मैंने डीई साहब को 3 बार व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैसेज किया, फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने एक भी बार मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद मैंने जेई जो है जो कमलेश दहलवार हैं उनसे मेरी चर्चा हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं डीई साहब से बात करके इसको तत्काल करवाता हूँ। उसके बावजूद भी पिछले 2 महीने से कोई सुनवाई नहीं हो रही और मीडिया में भी मैंने 1-2 बार दिया मगर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। 3 दिन पहले यहाँ पर एक अटैची आई थी, वो इससे टकराई और भयंकर तेजी से धमाका हुआ, इसमें आग भी लगी, परंतु इसके बावजूद भी अधिकारी लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। कभी भी यहाँ पर जो है बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, मौत भी हो सकती है। मात्र जमीन से 7.5 फुट की ऊंचाई पर ये तार लटक रहे हैं, झूल रहे हैं, इलेवन भी टेढ़े हो गए हैं। 11 केवी है, 11-11 केवी की लाइन है, हाई टेंशन लाइन है, मगर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। डीई साहब मुझे लगता है कि क्या उनकी मंशा है, क्या है, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 3 बार उनको मैसेज भेजा गया व्हाट्सएप के माध्यम से, उनके अधीनस्थ अधिकारियों को भी बताया गया, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या ग्वालियर जैसी जो घटना हुई गोयल परिवार में, उस जैसी घटना होगी जब ही प्रशासन ध्यान देगा? एसडीएम साहब को भी मैंने संज्ञान में लाने के लिए उनको भी मेल किया, मगर कोई भी इधर ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा प्रशासन से और मीडिया से भी निवेदन है कि कृपया इस मुद्दे को बड़ी तेज़ी से उठाएं, नहीं तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना की संभावना यहाँ पर होगी और जब कोई आदमी मृत हो जाएगा उसके बाद अगर प्रशासन चेतेगा तो मेरी समझ से बहुत बड़ी प्रशासन की भूल होगी, ये बहुत बड़ी उनकी बेवकूफ़ी होगी सर। ये बात क्रमांक कौन सा है सर?